वेलकम बैक। सो बाइक पे हेलमेट लगा दिया है जो मैं टेस्टिंग के लिए लिया है, तो अभी वापस करने का टाइम आ गया है इसको। इट्स अ एक्सर कार्बन फाइबर हेलमेट, बंजी कॉर्ड से टाई कर दिया इसको और ऑलमोस्ट एक महीने के बाद निकाल रहा हूँ बाइक। फ्रेंड्स को मिलने के लिए जा रहा हूँ मैं, अभी एक मीटिंग है फ्रेंड्स के साथ, एडवेंचर 390 ग्रुप के साथ। मुझे नहीं लगता ये गिरेगा, थोड़ा वॉबली है, होप दैट इट वोंट फॉल। सो या अभी हेलमेट पहनते हैं और निकलते हैं। अरे ये एक दिक्कत आ गया। आई एम वेयरिंग अ बैकपैक, सो उसके लिए जगह नहीं है। अब चेंज हो गया पोजीशन, अब थोड़ा गैप है मेरे को। इट फील्स सो गुड टू बी बैक ऑन बाइक। बाइक इज सच अ हैप्पी प्लेस टू बी। मुझे ऐसा लगा है कि बाइक लेके निकल जाऊं कहीं दूर। डोमिनार में इतना मज़ा नहीं आता था मेरे को, बट डोंट नो व्हाई ये बाइक तो इतना अच्छा लगता है मेरे को कि इट फील्स एज इफ द बाइक इज पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट्स दैट परफेक्टली सेट फॉर मी। देखिए कितना ट्रैफिक, इसलिए दिखा रहा था 1 hour for 26 kilometers। ये तो कोविड के पहले से भी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और ऊपर से वीकेंड। माई गॉड इतना ट्रैफिक क्यों? लॉकडाउन में ही अच्छा था यार, सीरियसली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, रोड सब खाली। सब कार लेके बाहर निकले होंगे। सब लोग मॉल के अंदर घुस रहे हैं। मॉल पूरा भर गया होगा। हैदराबाद में वीकेंड बोले तो मॉल बस। ये है नया टोयोटा हिलक्स, वाव, न्यूली लॉन्च्ड व्हीकल है। आजकल बहुत डिमांड में आ रहे हैं ऐसे व्हीकल्स, मेनली फॉर ऑफ रोडिंग, ऑल व्हील ड्राइव, 4x4 यू कैन से। आई थिंक सब लोग आ गए होंगे। द टाइम इज 7:25, 7 बजे का मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग स्टिल गोइंग ऑन, बिजी वॉचिंग यूट्यूब। मीटिंग अभी ख़त्म हुआ लेकिन डिनर का प्लान बन रहा है। अब फिर से नाइट को प्लान बना राइड का, हेडिंग टू शेरे पंजाब। मुझे नाइट में राइड करने का बहुत ही मज़ा आता है। सो टाइम अभी 10:30 हो रहा है एंड द ट्रैफिक इज एज एक्सपेक्टेड। सो सीधा जाके मिलते हैं मीटिंग पॉइंट पे। Right now, I'm going to get a little bit of a break on.
वी आर ऑन टाइगर 900. दिस इज द टाइगर 900 रैली एंड टेकिंग अ टेस्ट राइड ऑफ इट ऑन द हाईवे टू चेक हाउ इट परफॉर्म्स एंड हाउ इट हैंडल्स. बिकॉज इन सिटी आई हैव ऑलरेडी रिडन बट ऑन द हाईवे आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट. इट्स स्मूथ इवन ऑन द हायर स्पीड्स. It's smooth due to the triple cylinder. One thing is annoying me, that is the crash guard on the right side. It is touching my leg. Oh, brakes are awesome, yeah. But there is a lot of dive which I'm experiencing. So this is normal for an adventure bike. I think there is a green signal for this bike.